हेलो फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों का मौसम का मतलब आम का सीजन। आम का सीजन मतलब सबको आम बहुत ही पसंद आते हैं, और हम लोग आम वैसे तो हर प्रकार के खाते हैं और हर डिश बना के खाते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके संग मैं मैंगो रबड़ी की रेसिपी शेयर करूँ, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और ये घर में सबको बहुत पसंद आती है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैंगो रबड़ी बनाने के लिए मैंने 750 ml दूध ले लिया है। इसको मैंने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है, और ये जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता है तब तक हम इसे उबालते रहेंगे। जब तक हमारे दूध में उबाल आता है तब तक हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। मैंने ये चार ताजी ब्रेड ले ली है, इनके मैं सारे कॉर्नर्स काट लूँगी। अब हम इसके एक ब्लेंडर जार में इसको ब्लेंड करके हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। दूध उबल गया है, अब हमने आंच को धीमे कर दिया और इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये मेरे ब्रेड क्रम्स देखिए कितने फाइन मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। हमारी जो मैंगो रबड़ी है उसको गाढ़ापन देने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स की जरूरत पड़ती है। अब हमारी ये दूध हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। इसके जो किनारे पे जो हमारी मलाई जमती है इसको भी मुझे निकाल निकाल कर इसमें भरना है। अब हमारा थोड़ा दूध हल्का हल्का बॉयल हो गया है, 5 मिनट हो गए इसको बॉयल होते हुए। अब हम इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे। मैंने आधा कप के करीब मिल्क पाउडर ले लिया है। इसको मैं 2 बार में दूध में मिलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। ऐसे हमें लगातार चलाते रहना है। अब हमारा एक बार ये मिल गया है मिल्क पाउडर, अब हम दोबारा में सारा डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिला लेंगे। ये मैंगो रबड़ी है। आजकल गर्मियों का सीजन है और मैंगो तो सबकी बहुत फेवरेट फ्रूट है, तो इसलिए उसकी अलग अलग डिश बनाना बनता ही है, और ये रबड़ी तो सबको बहुत ही पसंद आती है। मिल्क पाउडर हमारा जो रबड़ी है इसको अच्छा गाढ़ापन देगा। मिल्क पाउडर मिलाने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर मिला देंगे और थोड़ा सा केसर मिला देंगे। केसर के 2-3 स्ट्रिंग डाल देंगे हम इसमें। ये हमारी रबड़ी को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब शुगर मिला लेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार भी मिला सकती हैं, क्योंकि मैंगो भी मीठा होता है, उस हिसाब से ही आप शुगर मिलाइए। अब हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर देंगे। किनारे पे जितनी हमारी मलाई जम रही है उस सबको हम निकालेंगे के इसी में मिला लेंगे। यही हमारी गाढ़ी रबड़ी का वो बनेगा, बहुत बढ़िया। अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच में चलाते रहेंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें जितने ब्रेड क्रम्स थे वो मिला लूँगी। ब्रेड क्रम्स से हमारी रबड़ी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। ये हमारी बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रबड़ी है। बहुत अच्छा और बहुत ही स्वाद इसका बहुत ही अच्छा होता है, और बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आएगी। अब इसे हम 5 मिनट अच्छे से चलाते हुए पका लें। अब देखिए हमारी रबड़ी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल देंगे। देसी घी से हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छा ग्लेज आएगा इसमें।
अब हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ, उसके बाद हम आम का मैंगो पल्प मिलाएंगे इसमें। इसको हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें मैंगो पल्प मिलाएंगे। मैंने दो मैंगो का पल्प लिया है, इसे मैंने घर में ही ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है और हम इसे इसमें मिला दें। अब हमारी गाढ़ी बढ़िया मैंगो रबड़ी तैयार हो गई है। देखिए अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। अभी थोड़ी सी गाढ़ी ठंडी होके हो जाएगी और इसको हम फ्रीजर में या फ्रिज में आप इसको रख करके ठंडा करके सर्व करिए मेहमानों के आने पे, या आपके घर में जो भी आए उनको खिलाइए, परिवार में सबके लिए बनाइए। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे और तब लीजिए तैयार है हमारी मैंगो रबड़ी। और ये ठंडी ठंडी बहुत ही कूल कूल लग रही है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।